वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फूटी आइसक्रीम। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था। इसको अच्छे से पकाना है। दूध को हमने अच्छी तरह उबालना है। जो इसके बीच में ऊपर ऐसे मलाई की परत आ रही है वो भी हम हिला के इसके बीच में ही मिक्स कर देंगे। इसी दूध से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था। इसमें बीच में मैं डाल लिया कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच। उसको अच्छे तरह से मिक्स करके रख लेंगे। जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा दिखने लग जाए इसके बीच में हम डालेंगे चीनी। मैं इसके बीच में 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं चीनी। अब अच्छे से मिलाएंगे इसको। अब मैं इसमें बीच में डालूंगी इलायची पाउडर। इसको अच्छी तरह से पकाना है। अब इसमें मैं धीरे धीरे करके कस्टर्ड पाउडर डालूंगी। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको लगातार हिलाते रहना है। और 2 से 3 मिनट के लिए इसको उबालना है। अब इसको ठंडा करने के बाद हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसको हम ट्रांसपेरेंट कवर के साथ कवर करके फ्रिज में रख देंगे ताकि इसमें क्रिस्टल आइस क्रिस्टल ना जमे। तो इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। तीन से चार घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाला तो ये पूरी तरह जम गया था। अब हम इसको एक मिक्सर जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इसको मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बार फिर इसको ऐसे ही कवर करके जैसे पहले कवर किया था ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना आए।
तो फ्रिज में रख देंगे 3-4 घंटे के लिए। तीन चार घंटे हो चुके हैं, लीजिए हमारी रेडी है अब टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी ऐसी और सी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।